हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के नीश के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग की नीश क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से सेगमेंट हैं जहाँ पर आप अपनी नीश को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो कौन कौन से वे हैं जिनके माध्यम से आप नीश को चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज चल रही है उसमें हमने कुछ और वीडियोज कंसीडर कर रखे हैं, यानी पहले से बना रखे हैं, जिस पर आपको एक नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर हमने बात करी है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, और साथ ही में हमने यहाँ पर बात करी है एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही में हमने मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क्स के बारे में भी बात करी है और उनकी क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी हमने बात करी है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नीश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि एफिलिएट मार्केटिंग का जब प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं तो नीश क्या हो सकती है। देखिए, ये कोई एक थम रूल नहीं है, ये रिसर्चेबल टॉपिक है। आपको हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए और रिसर्च करते रहना पड़ेगा, तभी आपको नई नई चीज़ें, नए नए प्रॉफिटेबल वे आपको मिलेंगे। तो बेसिक टर्म में अगर समझें तो नीश को आप एक वो गैप जहाँ पर आप वो प्रोडक्ट को, यानी किसी भी कंपनी या किसी भी सेगमेंट के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें आप वो गैप यानी कंज्यूमर तक पहुँचाने का वो माध्यम, वो इन्फॉर्मेशन, वो गैप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे आपका प्रोडक्ट इजीली कंज्यूमर तक पहुँच जाए। तो ये तो हो जाती है आपकी नीश। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नीश कौन कौन से वे में आपको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप नीड्स को बजट के बेस पर भी आप सेट कर सकते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बेस पर भी आप नीड्स को सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको यानी प्रेफरेंस बेसिस पे भी आप सेट कर सकते हैं कि कंज्यूमर को पहले क्या चीज़ प्रेफरेंस करनी चाहिए। तो ये सारे माध्यम हो जाते हैं कि नीड्स को किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, लोकली, नेशनली, इवन ग्लोबली। ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अपनी नीश को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, और आप इसको प्रमोट करके पैसे भी अर्न कर सकते हैं। दूसरा है गेमिंग का। गेमिंग का बहुत ही एंटरटेनमेंट एंगेजिंग सेगमेंट है, यहाँ पर हर कोई गेम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गेम हो। इवन जो मोबाइल यूजर्स हैं उनमें से 70-80% जो ऑडियंस है, जो यूजर्स हैं, वो गेम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, खासकर टीनेजर और एडल्ट के बारे में तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गेमिंग से रिलेटेड भी अपनी नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है आपका ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, ये भी अच्छा सेगमेंट है, यहाँ पर भी आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और आपका जो एफिलिएट प्रोडक्ट है वो प्रमोट करने के वे भी आपको बहुत मिल जाएंगे। डेटिंग है, हेल्थ एंड वेल्थ है, फाइनेंस है, ये जो सारे सेगमेंट हैं यहाँ पर आपको नीड्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि नीड्स को कैसे चूज करें। तो नीश को चूज करने के लिए हमने आपके लिए 3 पॉइंट्स कंसीडर करे हैं, जिनमें से जो पहला पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूनिक वे है आपके नीश को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है और उसमें आप एक्सपर्टाइज हैं, आपकी नीश के लिए सबसे अच्छा माध्यम ये है, सबसे अच्छा वे है। अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसमें एक्सपर्ट ही नहीं है, तो अगर आपने वो प्रोडक्ट फाइनल कर लिया प्रमोट करने के लिए, तो यकीन मानिए आप उसमें सफल नहीं होंगे
और कुछ टाइम बाद आप उससे क्विट करना। तो इंटरेस्ट प्लस एक्सप्लाइजेशन, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी नीड्स को पकड़ने के। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर एनालिसिस कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं है तब आप वो भी पहले फाइंड आउट करिए जहाँ से आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिए, अब हम वो उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं जहाँ से आपको अपनी नीड्स को फाइंड आउट करना है यानी चूज करना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपके मोनिटाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, अगर आप उसमें पोटेंशियल मोनिटाइजेशन मार्जिन ही नहीं है तो आप उसको कितना भी प्रमोट करिए लेकिन आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं, पहले वाले वीडियोज में बताया है कि कौन से कैटेगरी पर आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तीसरा वे है जो नीस को चूज करने का, वो आपको कीवर्ड है यानी परफॉर्मेंस कीवर्ड रिसर्च। आपके नीस के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट, आपने फाइनल कर लिया कि कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज करना प्रमोट करना है और उसका कीवर्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं सर्च इंजन में प्रमोट करने के लिए, आप उसके बेस पे अपनी नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही, हमने जहाँ पर नीड्स के बारे में बात करी, नीड्स के कौन कौन से सेगमेंट किस बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में बात करी और कैसे नीड्स को चूज करना है उसके बारे में बात करी। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपने काम को अच्छे से कीजिए। थैंक यू।